नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आने वाली देवशयनी एकादशी तुलसी से जुड़ी, भूल कर ना करें ये गलती, नहीं तो इसका गलत परिणाम आपको मिल सकता है। आपको तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी निर्जला व्रत रहती हैं, इसलिए इस दिन भूल कर भी तुलसी में जल ना अर्पित करें। श्री हरि इस दिन से 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए जाते हैं, इसलिए इस दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत होती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, एकादशी का दिन, इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती हैं। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियां हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन भूल कर भी तुलसी में जल ना चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर तुलसी का उपयोग करना है तो तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी का पौधा किसी कांटे वाले पौधे के पास ना रखें। एकादशी के दिन तुलसी के आसपास कुछ भी गंदगी ना रखें। साथ ही तुलसी के पास जूते चप्पल भी ना रखें। इस दिन तुलसी को जूठे या गंदे हाथों से ना छुएं, भगवान विष्णु हो जाएंगे नाराज। साथ ही इस दिन हम लोगों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लाल या पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए तथा तुलसी की जड़ का चंदन घिसकर हमें भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए तथा संध्या के समय तुलसी की लकड़ी के 7 टुकड़े 7 बंडल बनाकर उसको कच्चे धागे से बांधकर घी में डुबोकर भगवान विष्णु के सामने इसका दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय से आपके घर में लक्ष्मी वृद्धि होगी तथा भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। माता लक्ष्मी तुलसी में वास करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी एकादशी के दिन व्रत रहती हैं। किसी भी महीने की एकादशी में आपको तुलसी में जल नहीं देना चाहिए तथा रविवार के दिन भी तुलसी में जल देने की गलती ना करें, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी विश्राम करती हैं, इसलिए ना तो रविवार को तुलसी छुई जाती है, तुलसी को छुआ जाता है, ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी का दल तोड़ा जाता है। हमें कोई पूजा में ज़रूरत है रविवार के दिन, हमारे यहाँ कोई कथा या कोई विष्णु भगवान का पूजन हम करने जा रहे हैं, तुलसी दल की आवश्यकता है, तो हम एक दिन पहले इसको तोड़कर अपने घर में रख सकते हैं। तुलसी का दल कभी वासा नहीं होता। तुलसी के पत्तों को कभी बासी नहीं माना जाता। यह कितना भी पुराना हो, इसको कभी वासा नहीं माना जाएगा। आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि सभी लोग इस 29 जून दिन गुरुवार को आने वाली देवशयनि एकादशी पर यह उपाय करके लक्ष्मी जी का लाभ उठा सकें तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें। लक्ष्मी नहीं आ रही किसी कारणवश, कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष
या पांच सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंद कैश्वर। सदा उतार कर घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ जाता है। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है। शनि कथा में पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आधिक वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, ऐसे उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर, हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा उनके, पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज, जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल अलग होती है, लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी